ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत ये जानकारी मिली है कि आपके गांव की जनता आपसे एक बहुत बड़ी उम्मीद जता रही है, क्या आप उनके उम्मीद पे खड़े उतरेंगे? खड़े उतरे हुए हैं बहुत पहले से और खड़े उतरेंगे, और जितना विधवा विकलांग सबको हम अपने साथ, जितने भी नीचे तहत के आदमी हैं, व्यक्ति जो गरीब हैं और विधवा विकलांग जो भी हैं, सबके लेके हम साथ हैं। कि जो मेरे पीछे लगा हुआ है और मेरे विरोध कर रहा है और हमको पीछे टांग खींचने का काम कर रहा है, टांग अड़ाने का काम कर रहा है, दुर्घटना करने का काम कर रहा है, हमको उससे मतलब अच्छी लाइब्रेरी व्यवस्था है पंचायत में, वो वादा किए हैं कि हम पूरा करने के काम करेंगे, और फील्ड वगैरह है लड़कन के लिए, वो फील्ड का वादा किए हैं पूरा करने का काम करेंगे। जैसे में दुख और सुख में हम एनी टाइम साथ हैं और साथ रहने का काम करेंगे, और एनी टाइम हम साथ दुख और सुख में, कभी भी रात रहे चाहे दिन रहे, हम सब घड़ी सुविधा देने का काम करें। प्रत्याशी है श्रीमती उषा देवी, हम लोग उन्हीं के सब। हाँ, अभी श्रीमती उषा देवी के हम लोग। उषा देवी है, कोई काम में कोई मरनी है कुछ हो भी गया तो राता राती नहीं समझता है, जाता है सब। कौन है? इंद्रजीत जी। कैसे विचार के प्रत्याशी, उसमें से कोई प्रत्याशी आप लोग के नजर में जो अच्छे? हाँ, ये है जो कर रहे रंजीत जी, तो दे रही दे दो। इंद्रजीत यादव कैसे विचार के? बहुत ठीक। लाइव लॉन्ग बिहार की टीम आएंगे आपके गांव और दिखाएंगे मुखिया जी के किए काम। अब होगी सिर्फ और सिर्फ सच की बात लाइव लॉन्ग बिहार के साथ। अभी तक लाइव लॉन्ग बिहार की टीम आपके गांव में नहीं पहुंचे हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर तुरंत कॉल करें और हमें संपर्क करें। हम बनेंगे आपकी आवाज़ और खोलेंगे मुखिया जी के सारे राज। वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार, मैं हूँ खुशबू रॉय। अभी हम बख्तियारपुर के अलीपुर बिहटा पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के भावी प्रत्याशी जो कि उषा देवी हैं, उनके सुपुत्र जिनका नाम इंद्रजीत कुमार है, वो मौजूद हैं जो कि इस बार के भावी प्रत्याशी हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि आखिर वो इस बार मुखिया का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और क्या कुछ विकास करेंगे वो अपने गाँव में, अपने समाज के लिए क्या सोच लेकर चले हैं। आइए हम उनसे खास बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले तो जितने भी मीडिया गण आए हैं पटना से, उनका मेरे तरफ से धन्यवाद है, और जितने भी चैनल पर देखेंगे मेरा पंचायत और जितना भी पंचायत के वासी हैं सभी को हम अपना तरफ से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी। कहीं ना कहीं मुखिया प्रत्याशी आपकी माँ हैं जो कि इस बार पंचायत चुनाव लड़ रही हैं मुखिया के पद से, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिनकी भी माँ या पत्नी खड़ी होती हैं तो उनके बेटे या पति गांव में समाज में कार्य को पूर्ण रूप से करते हैं, तो उनके हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप अपने समाज के लिए कार्य को करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आप मुखिया बनना चाहते हैं अपने गाँव के लिए तो क्या उद्देश्य है आपका मुखिया बनने का और क्या सोच के आप मुखिया बनना चाहते हैं? पहले तो हम मुखिया नहीं बनने के उद्देश्य से खड़े हुए हैं, हम समाज के बेटा हैं और समाज के सेवा करने के लिए उतरे हैं, हम समाज सेवी हैं और हम पंचायत में अपना सेवा करने के लिए उतरे हैं। मुखिया बने या नहीं बने मगर समाज के सेवा करेंगे और समाज फैसला देगा क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो पंचायत में गए होंगे तो आपका पता चला होगा क्या किए हैं काम क्या नहीं किए हैं, तो देखने का चीज़ है, और जितने भी मेरा अलीपुर बिहटा पंचायत का वासी हैं सब देखते होंगे। अभी तक अपने पंचायत के लिए आपने क्या कुछ किया है, कोई ऐसा कार्य जो आपने अपने समाज के लिए किया? पंचायत में तो बहुत सारा काम किए हैं हम अपने तरफ से, निशुल्क व्यवस्था दिए हैं, निशुल्क एम्बुलेंस दिए हैं पंचायत के लिए, और कहीं पर किसी व्यक्ति के कुछ होता है अचानक हम पर कॉल या मेरे कहीं से मतलब किसी कारण से मतलब आ गया और सूचना आने के बाद हम उसको सही सलामत अपने एम्बुलेंस से या अपने गाड़ी से उसको पटना पहुंचाने का काम करते हैं और निशुल्क इलाज करवाने का काम करते हैं हम अपने तरफ से। अच्छा, कौन सा ऐसा विकास है जो क्या आपके क्षेत्र में जो विकास रही थे, जैसे जो वर्तमान मुखिया ने जो विकास आपके क्षेत्र में नहीं किया हो और आपको लगता है कि वो विकास आपके गाँव में होना जरूरी है, ऐसा कौन सा चीज़ है, कैसी कौन सी मतलब व्यवस्था है जिसके बारे में? अभी तो मेरे पंचायत में कुछ भी व्यवस्था नहीं है और कुछ भी विकास नहीं हुआ है, और जो भी विकास हुआ है तो आप घूमे होंगे तो देखें क्या विकास हुआ है क्या नहीं विकास हुआ है। हम तो सबसे पहले बनने के बाद जल जमाव जितना है उसको दूरी करेंगे और निकास के व्यवस्था करेंगे। सबसे पहले है नल जल योजना,
जो भी कि एक भी काम सफल नहीं हुआ है। 10 मेरे वार्ड है, 10 वार्डों में अभी एक भी मतलब नल जल चालू नहीं हुआ है, और जो भी मतलब टंकी टावर है सब व्यवस्था करके छोड़ा गया है, अभी कोई भी सफल काम नहीं हुआ। जो भी हम बनने के बाद सारा काम मतलब सफल करने का काम करेंगे, और जो भी पानी का निकास है वो बनवाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत ये जानकारी मिली है कि आपके गांव की जनता आपसे एक बहुत बड़ी उम्मीद जता रही है, क्या आप उनके उम्मीद पर खड़े उतरेंगे? उम्मीद पर तो खड़े उतरे हुए हैं बहुत पहले से, और खड़े उतरेंगे। और जितना विधवा विकलांग सबको हम अपने साथ, जितने भी नीचे तहत के आदमी हैं, व्यक्ति जो गरीब हैं और विधवा विकलांग जो भी हैं, सबके लेके हम साथ चलेंगे। मुखिया प्रत्याशी में आप खड़े हुए, मतलब आपकी माँ जो भी हैं खड़ी हुए, आप कर्म करने चल रहे हैं, तो जब भी कोई इंसान पॉलिटिक्स में जाता है या किसी भी ऊंचे पद के लिए आगे बढ़ता है तो बहुत सारी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो क्या आप उस दिक्कत और को सामना करने के लिए तैयार हैं? सामना करने के लिए तो तैयार हैं, और सामना करने के लिए तो उतर गए हैं मैदान में, और सामना तो करना पड़ेगा। आपको लगता है कि इस चीज़ में आप आगे बढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से? अच्छे तरह से तो आगे बढ़ पाएंगे। जो भी टांग अड़ाने वाले हैं, मतलब कुछ व्यक्ति हैं कि पॉलिटिक्स में जब उतरे हैं, ये कुछ ऐसा व्यक्ति है कि जो मेरे पीछे लगा हुआ है और मेरे विरोध कर रहा है, और हमको पीछे टांग खींचने का काम कर रहा है, टांग अड़ाने का काम कर रहा है, दुर्घटना करने का काम कर रहा है, हमको उससे मतलब अथी है। मगर हम जनता के बीच उतरे हैं, और कुछ व्यक्ति जनता से हमको मतलब उम्मीद है, और जनता से हमको मतलब उम्मीद रखते हैं कि जनता वाले ने हमको जनता साथ देगा। जनता के लिए आप अपने समाज और पंचायत के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप अपना जनता को अपने तरफ से? देना तो चाहते हैं मैसेज, अगर जनता अलीपुर बिहटा पंचायत को जनता अगर हमको चुन के फील्ड में भेजता है तो सबसे पहले अपना मतलब कि पंचायत को चमकाने के लिए काम करेंगे, और पंचायत में काम करने के लिए वादा करेंगे, और वादा करने के साथ साथ काम करेंगे। और हम अगर जनता हमको सोचता है और चुनता है तो हम बहुत सारे काम सोचे हुए हैं कि जो पूरा करेंगे। जैसे में लाइब्रेरी व्यवस्था है पंचायत में, वो वादा किए हैं कि हम पूरा करने के काम करेंगे, और फील्ड वगैरह है लड़कन के लिए, वो फील्ड का वादा किए हैं पूरा करने का काम करेंगे। जैसे में दुख और सुख में हम एनी टाइम साथ हैं और साथ रहने का काम करेंगे, और एनी टाइम हम साथ दुख और सुख में कभी भी रात रहे चाहे दिन रहे, हम सब घड़ी सुविधा देने का काम करेंगे। और जिस तरह से अभी कर रहे हैं उस तरह से अगर बन जाने के बाद इस तरह से आगे जाकर और ज़्यादा हम काम करने का काम करेंगे। और बहुत सारा मतलब मेरे गांव और पंचायत में मतलब सुविधा की कमी है, जैसे में कि लाइट गली गली में नहीं है, अभी अथी गली में नल का व्यवस्था नहीं है, गली में एक भी नाली का सुधार नहीं है, ये सब सुविधा देंगे। और रोड जितना भी टूटा फूटा है सबको बनवाने का काम करेंगे, और यही सब सारा सुविधा देने का काम करेंगे। जैसे स्वास्थ्य है ये व्यवस्था करेंगे, शिक्षा सुधार है ये चीज़ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी। जैसा कि आपने सुना, इंद्रजीत जी का कहना है कि वो हर तरीके से जनता के साथ खड़े होने की बात की है उन्होंने, साथ ही उन्होंने ये भी किया है जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जितने भी निचले वर्ग के लोग हैं, वो उनको अपने साथ लेके चलेंगे। और एक और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बातों का भी साझा किया है कि किसी भी चुनाव में या फिर पॉलिटिक्स में जाने से पहले बहुत सारी दिक्कत और परेशानी आती है, उनके साथ भी दिक्कत और परेशानी आ रही है, लेकिन सब कुछ को झेलते हुए जनता स्वरूपी भगवान को उन्होंने साक्षी मानते हुए कहा है कि वो अगर हमारे साथ है तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे, और हमारा जो हौसला है वो आगे जरूर बढ़ेगा, हम अपने मेहनत में सफल जरूर होंगे और गाँव का कल्याण करेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है, आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।